तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। किस चीज का जवाब? मेरे सवाल का। सवाल? आज सुबह मैंने तुमसे तुम्हारा हाथ मांगा था, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो या नहीं। दरअसल हमारा ना करने का ही मन था, पर क्या है ना, परिवार वालों ने समझाया तो इसलिए हमने सोचा कि चलो मान ही लेते हैं। और फिर देखिए ना, अब हम दोनों की शादी तो हो ही गई है, तो अब हमारे पास ना बोलने का ऑप्शन भी नहीं रहा। नहीं नहीं लागी नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है। मैं अपना हाथ वापस ले लेता हूँ। लक्ष्य, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। आपका हाथ अब हमारे हाथ में, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं भी नहीं। सर नो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? क्या पागल हो गया हूँ? लकी को शादी की गिफ्ट देने जा रहा हूँ, उसमें कौन सी पागलपन वाली बात है? सर नहीं, जरा सोचो, वो दोनों इतने टाइम के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी गिफ्ट में दिलचस्पी हो गया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। अरे यार मैं कौन सा पूरी रात। एक मिनट, संस्कार तुम तो रहने ही दो, किसे ये गिफ्ट देने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है लक्ष्य ने पूरी रात जागकर रागिनी की देखभाल की, उसकी तबीयत ठीक की, उसे प्रपोज किया, फिर बाबा से मार भी खाई, इतने पापड़ बेले उसने रागिनी के लिए। वो दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल है, पर तुम मेरी बात करो, तुमने क्या किया आज तक मेरे लिए? हाँ ये क्या हो, ये बात कहां से कहां पहुंच गई? ओह पहले तुम अपनी बात करो, तुमने क्या किया मेरे लिए? मैंने तुम्हें अपने प्यार के लिए मनाया, तुम्हारी शादी कविता से होने से रोकी, जेल की दीवारें तोड़कर मैं तुमसे शादी करने के लिए आई। तुम बताओ तुमने क्या किया मेरे लिए? मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र की। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता ना, तो तुम्हारा जेल से भागना बेकार हो जाता। अच्छा, तुम मुझसे शादी करके तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? सॉर्ट ऑफ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं आती ना, तो तुम्हारी शादी उस साइको कविता से हो गई होती, मेंटल असाइलम में होते अभी। हाँ वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो एहसान मैंने तुम पर किया है, समझे? जी मैडम, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पहले मेरे लिए कुछ स्पेशल करो, उसके बाद हिसाब बराबर। कुछ स्पेशल मतलब? अरे यार हेलीकॉप्टर तुम्हें क्या संस्कार का भूत लेकर गया था? लकी, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, तेरे भाई की दुआएं तेरे साथ।
रागिनी, आज मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। नहीं, आज हम इस दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। नहीं, हम हैं। रागिनी, मैंने कहा ना? हमने भी कहा ना। रागिनी, बोला ना मैं। फूल ठीक से लगाओ, नहीं तो बाहर निकल आएंगे। और ये भी ध्यान से लगाना किसी की साड़ी में ना अटके। हाँ जी, देखो ये सारा सामान मैंने अपने हिसाब से मंगा लिया। आप जरा फटाफट चेक कर लो ना, मैं राजू को भेज के फटाफट मंगा लूंगी। ना तू उठे के कर, फटाफट यहाँ पे रख, मैं देख कर आई हूँ अभी फूलों की झालर ना लगी है। बाहर फल वाला ना आया जाता, वो समझ गया है और लिस्ट भी ठीक है। आ जाओ, मिठाई वाला ना आया, फोन मिला के दे हमारे को। जी अभी भाग के जा। मां ये सब क्या है? नहीं बहुओं के लिए वेलकम पार्टी होने वाली है। नहीं बेटा, आज गणगौर पूजा का आखिरी दिन है। इतना कुछ हो गया इस घर में, ये एक भी दिन पूजा नहीं कर पाए। इसीलिए तो भाभी आज हम ना बहुत ही धूमधाम से गणगौर की पूजा मनाएंगे। और आप देखना, माँ और बड़ी माँ ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ये तो सही है। अरे रागिनी, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, डोंट वरी। स्वरा, रागिनी, संस्कार और लक्ष्य कहाँ है? ये लीजिए, मैंने सारे पेपर्स पे साइन कर दिए। आज यार प्रॉपर्टी, यार बिजनेस पापा और चाचा के नाम पे वापस हो गए। फाइनली इतना बड़ा पोस्ट लगा हुआ। जी मैं ये पेपर्स जल्द से जल्द अदालत में जमा करवा देता हूँ। जी थैंक्स, जी थैंक्स। आज बहुत ही शुभ मौका है भाई साहब। गणगौर की पूजा भी है और हमारे घर की सारी खुशियां वापस लौट के आ गई। क्यों जरा? ये व्रत शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। बड़ी माँ, मैं संस्कार भैया को बुला के लाती हूँ, उसके बाद अब एक्सप्लेन करना, ठीक है? अभी बुलाती हूँ। अरे वो भाई क्यों दुला रही? ना संस्कार को उठे बुलाने की क्या जरूरत है? माँ ये व्रत भी तो करवा चौथ की तरह ही है ना? भैया उसी की तरह ये व्रत भी भाभी के लिए जरूर रखेंगे, क्यों भाभी? बहुत मजा आ रहा है ना तुझे मेरा मजाक उड़ाने में? भाई छोड़ो ना, लग रही है, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी ना। अच्छा? हाँ, such a sweet husband you are. आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो। छोड़ो ना भाई। बड़ी माँ, मैं ये व्रत पहली बार रख रही हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि कैसे सब करना है। हाँ माँ, व्रत तो हमारा भी पहला ही है। मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ये व्रत शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं।
अब इसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, तैयार होना होता है, और पति जो भी दे, चाहे लहंगा दे या साड़ी दे, वो पहन के शाम को पूजा करनी होती है। सिंपल। जीजी ना जीजी, मैंने ना शर्मिष्ठा जी को भी फोन कर दिया है, वो शाम तक आ जाएंगे। अच्छा किया। बड़ी माँ, ये व्रत अनमैरिड लड़कियां भी रख सकती हैं क्या? के? नहीं, कोई बात नहीं, तुम रख सकती हो व्रत। अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी बड़ी माँ। और तू जितने भी व्रत रख ले, लेकिन व्रत रखने से रणबीर कपूर तुझसे शादी नहीं करने वाला। हाँ तो उससे शादी किसको करनी है? उतरा, यू डोंट वरी, हम ना तुम्हारे लिए रणबीर कपूर से भी अच्छा हस्बैंड ढूंढ के लाएंगे, ठीक है? क्या हुआ, झगड़ा हुआ क्या? Sort of. चल झगड़ा छोड़, अभी यहां से निकलते हैं, ये तो कबाब में हड्डी बन जाएंगे। क्या हुआ, इसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। लहंगा अच्छा है। जानती हूँ, बड़ी मैंने दिया है। फेवरेट कलर है मेरा। अच्छा? तो बड़ी मैं से कहकर कलर चेंज करवा देती हूँ। एक मिनट यार, कंफ्यूज मत करो तुम मुझे। एक तरफ तुम मुझसे नाराज होती हो और दूसरी तरफ मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हो। चाहती क्या हो तुम मैडम? मिस्टर, ये सब ना हाई क्लास की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली ये सब समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है, समझे? अरे कहां से बचेगा मेरे पास दिमाग, सारा दिमाग तो तुम पे खर्च हो जाता है। संस्कार का झगड़े वाला झगड़ा नहीं हुआ है ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही हो। हाँ रागिनी, बस भाव खा रही हूँ थोड़ा। You know what? Very good. पता है, कभी-कभी ना ऐसा करना पड़ता है, तब जाके सामने से उनका प्यार मिलता है, वरना तो वो लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। आई टेल यू, तुझे बड़ा पता है। स्वरा, स्वरा, रागिनी, फटाफट उठ जा।
यहाँ रख दीजिए ना प्लीज। जे रागनी और जे स्वरा, इन दोनों की ना पहली है जे गणगौर पूजा। भाभी आप लोग ये सारे व्रत कैसे कर लेते हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा। भाभी स्वरा रागिनी भाभी कितने सुंदर लग रही है ना, हम कितने लकी है ना कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। अरे भाभी आप भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और इतने सालों से आप ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हो ना। I love you, भाभी, really. आ गए सर मिस्टर जी। Presenting शर्मिष्ठा जी। अरे वाह, क्या ये सच में हमारी बंगाली बहू है? क्या बात है माँ, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना बाबा? बहुत अच्छी लग रही हो आप। ना आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब सबके सब कितने चोखे लग रहे हैं एकदम मारवाड़ी तरीके से तैयार होके। और हाँ शर्मिष्ठा जी, मैंने ना रागिनी और स्वरा दोनों को बोल दिया कि बहुत जल्दी ना इन दोनों छोरियों को जे घर में खुशखबरी देनी पड़ेगी। और आप भी कहिए इन दोनों से कि ज्यादा देर ना करें, ना के बात है ना कि बहुत बकत के बाद ना जे घर में बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आई हैं, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि ये खुशियाँ ना बस दोगुनी हो जाए जी। चलो अब सब आ गए, अब पूजा की तैयारी करते हैं, ठीक है? जी जी जी, चलो। एक्सक्यूज मी, For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.